जय श्री श्याम। कीर्तन करने वाले, कीर्तन कराने वाले और कीर्तन सुनने वाले तीनों के लिए भजन है। ध्यान से सुने मेरे मन की बात। हर प्रेमी को हद में होना चाहिए, हर प्रेमी को हद में होना चाहिए। हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए। हर प्रेमी को हद में होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए। सबसे पहले आयोजकों से अनुरोध है कि कृपा इस बात पे ध्यान दें। चाहे लाखों खर्च करो तुम पर छोटा सा काम करो, चाहे लाखों खर्च करो तुम पर छोटा सा काम करो। उनमें से कुछ पैसा कोई दुखियारे को दान करो, उनमें से कुछ पैसा कोई दुखियारे को दान करो। ऐसा भाव सब में होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए। हर प्रेमी को हद में होना चाहिए, हर प्रेमी को हद में होना चाहिए। हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए, इसके बाद भजन गायकों से मेरा अनुरोध है इस बात पर ध्यान दें। मुखड़े मुखड़े गाकर ना भजनों का तुम अपमान करो, मुखड़े मुखड़े गाकर ना भजनों का तुम अपमान करो। लेखक के भावों का प्यारे थोड़ा तो सम्मान करो, लेखक के सब कुछ हो पर मद ना होना चाहिए, सब कुछ हो पर मद ना होना चाहिए। हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए। हर प्रेमी को हद में होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए। इसके बाद उन प्रेमियों से मेरा अनुरोध है जो भजन सुनने आते हैं। उठाते आप गिराते आपको बस ये कहना है, आप उठाते आप गिराते आपको बस ये कहना है। किसी की गलती अगर दिख जाए तो फिर चुप ना रहना है, किसी की गलती अगर दिख जाए तो फिर चुप ना रहना है। श्याम कहे इतना हक होना चाहिए, इतना
हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए। हर प्रेमी को हद में होना चाहिए, हर प्रेमी को हद में होना चाहिए। हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए, हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए। हर कीर्तन का मकसद होना चाहिए,